अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर लिया? नाश्ता कंप्लीट कर लिया था? मुकम्मल किया था? छोड़ा तो नहीं था नाश्ता? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब ये बताइए कि कल जो हमने कहानी सुनी थी, जिसमें रीच था, रक्षा था और रहीमू बाबा थे, रस्सी थी, वो कहानी आप लोगों ने किस किस को सुनाई? अपने दोस्तों को सुनाई थी? सुनाई थी? कैसी लगी उनको कहानी? अच्छी लगी? अरे भाई वाह! और किसको सुनाई थी? मम्मा को सुनाई थी? मम्मा को भी सुनाई थी? शाबाश। चलें जी, इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्तों ने कहानी अपने दोस्तों को सुना दी है और अब हम नया काम करते हैं। नया काम करने से पहले क्या करते हैं? अच्छा, एक गेम खेलते हैं। कुछ चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो क्या चीज़ है। मुझे बताइएगा कि वो क्या चीज़ है, क्या मुझे पता चले कि आपको कितना आता है और कितना समझ में आता है कि भाई चीज़ें क्या हैं, कौन से नाम हैं इनके, क्या क्या नाम मौजूद हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीर, आप बूझिएगा। ठीक है जी, उनके नाम बूझिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या है। चलिए जी, ये देखें, ये क्या है? क्या है ये? रेल। शाबाश, रेल, 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 शाबाश, रेल। देखते हैं कि ये क्या है। ये है रक्षा, 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 रक्षा जी। और अब ये क्या है? रीच, रीच, रीच। हमने क्या क्या चीजें देखी हैं अभी? रेल, रक्षा, रीच, रेल, रक्षा, रीच, रेल, रक्षा, रीच। इन सब की शुरू की आवाजें क्या हैं भाई? रेल, रीच, रक्षा। हाँ, इन सब की शुरू की आवाज है ना भाई? रेल, रक्षा, रीच, हाँ, इन सब की शुरू की आवाजें तो है क्या भाई? ठीक ना है आप लोगों ने? क्या, आंखें बंद कर ली? जल्दी से आंखें बंद करें, फिर मैं मिलाती हूँ आप लोगों को रिर से। आंखें बंद कर ली है, पूरी आंखें बंद की है। चलें जी, फिर देखें यहाँ पे है क्या। आंखें खोलें और यहाँ देखें, यहाँ पे आ गए रु जी। ये है रु, रु। हाँ भाई, ये कैसे बने हुए हैं? कितने अच्छे लग रहे हैं, सीधे सादे से लग रहे हैं, बहुत ही, है ना? सीधे सादे से लग रहे हैं मुझे भी। चलें भाई, अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। बनने के लिए हमने क्या करना होता है? नज़म पढ़नी होती है ना? हाँ भाई, इनकी भी नज़म मौजूद है। ये ऐसे नहीं आए हैं, इतने सीधे साधे नहीं हैं, इनके साथ भी नज़म मौजूद है। क्या करेंगे हम इनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले अपने हैंड निकालेंगे, उसकी दो फिंगर्स को बंद कर देंगे, इस पे थंब रखेंगे और इस तरह से टू फिंगर्स के साथ हम काम करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको ट्रेस करना सीखेंगे। ट्रेस कैसे करेंगे भाई? रीच, रक्षा लेकर भागा, बड़ा ही सीधा साधा। रीच, रिक्शा लेकर भागा, बड़ा ही सीधा साधा। रीच, रिक्शा लेकर भागा, बड़ा ही सीधा साधा। जी, इसी तरह से आपने ये नज़म पढ़ते पढ़ते जो है हमने इसको ट्रेस कर लिया। अब देखते हैं अपना सफ़ा नंबर क्या। जी, सफ़ा नंबर देखेंगे हम 35, और इसको खोलेंगे और उस पर देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे तस्वीरें मौजूद हैं, आइकन्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखेंगे आइकन्स कौन कौन से हैं। कितने आइकन्स मौजूद हैं इसमें भाई? तीन आइकन्स मौजूद हैं जी, 1, 2, 3। और पहला आइकन क्या है? पहला आइकन में कुछ लाइंस बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। पेंसिल रखी हुई, देखते हैं। नहीं भाई, इसमें तो उंगली रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए, 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 शाबाश। दूसरा आइकन क्या है भाई? ब की आधी शक्ल है। अब पेंसिल रखी हुई, इसका मतलब क्या है? पेंसिल फेरिए।
पेंसिल फेरी और तीसरे में क्या मौजूद है, मानो बिल्ली मौजूद है। मानो बिल्ली कह रही है कि रंग भरिए। जी यहाँ पे रंग भरना है और सबसे पहले यहाँ पे तारीख लिखनी है। जी इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेल, रिक्शा, रीच। रक्षा की शुरू की आवाज रक्षा की शुरू की आवाज रेल की शुरू की आवाज रेल की शुरू की आवाज रीच की शुरू की आवाज। जी अब मुझे बताइए कि इसमें रक्षा किधर है भाई, ये रक्षा है नहीं, ये रक्षा है। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताइए कि रीच कहाँ है, क्या ये रीच है? शाबाश ये रीच है। अच्छा मुझे ये बताइए ये क्या है, रेल। शाबाश। ये क्या है, रिक्शा। शाबाश। और ये क्या है, रीच। शाबाश भाई आपको तो पता चल गया। अब आपने क्या करना है, अब अपने रूप पे जो है वो पेंसिल फेरनी है। पेंसिल फेरने के लिए क्या करेंगे आप जो ऊपर बड़ा सा नुक्ता बना हुआ है ना उस पर पेंसिल रखिएगा, पेंसिल को शार्प करें और पेंसिल को शार्प करने के बाद यहाँ पे रखिए पेंसिल, आहिस्ता इसको जो है वो ट्रेस करें यानी कि इस पर पेंसिल फेरें और साथ साथ इसकी नज़म पढ़ें। नज़म क्या थी इसकी, जी रीच रिक्शा लेकर भागा बड़ा ही सीधा साधा, रीच रिक्शा लेकर भागा बड़ा ही सीधा साधा। अब आपने क्या करना है, इससे रिर को जो है आपने पेंसिल फेरनी है और साथ साथ इसकी नज़म पढ़ती जानी है। नज़म पढ़ते जाएंगे रिर को जो है आप पेंसिल फेरेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मानो बिल्ली का कहना मानेंगे। जी मानो बिल्ली हमसे क्या कहती है, रंग भरिए। जी रंग भरना है हमने अपने बारी बारी रेल पे, रिक्शे पे और रीच पे रंग भरना है। पेंसिल शॉप करेंगे ऊपर नीचे आपने यहाँ पे रंग भरना है और रंग भरने के लिए आपने ख्याल रखना है कि कलर जो है ना, रंग जो है तस्वीर से बाहर ना निकले, और अगर निकल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बस कोशिश आपने करनी है कि रंग जो है वो तस्वीर से बाहर नहीं निकले, है ना भाई। चलें जी फिर आप क्या करेंगे, आपने इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आज हमने कौन सी तस्वीरों के नाम पढ़े थे और उनकी शुरू की आवाज़ें पढ़ी थी और उसके साथ हमने रंग भरा था और जो आपने नज़म पढ़ी थी यार उसको बार बार आपने जो है वो रिपीट करना है, दोहराना है। कल जो है हम इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप मुझे सुनाइएगा कि आपको कितनी याद होगी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप अपने इस काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।